अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्लब यूनिक कुक्स। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर लोबिया मसाला। ये वेज सब्जी है और इसको चाहिए मटर लोबे हाफ कप और फ्रेश कोकोनट पाउडर 3-4 टेबलस्पून, टमाटर 3 और क्यूब्स में कटे हुए आलू 2 मीडियम साइज़ के, टेस्ट के बराबर क्रिस्टल सॉल्ट, प्याज 3, कोथिमीर करी लीव्स, ऑयल, जीरा राया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। पहले मिक्सर जार लीजिए और उसमें कोकोनट पाउडर एंड ऑनियंस डाल के उसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। इसको ग्राइंड कर दीजिए, एकदम पेस्ट बना लेना है। मसाला रेडी हो गया, इसको बाजू में रखिए। कढ़ाई हीट होने के बाद एक स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए, इसमें जीरा हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून राया और इसमें प्याज जो बारीक से कटी हुई है, इसको हल्के से 2 मिनट फ्राई कर लीजिए। अब ऐड कर दीजिए करी लीव्स, क्यूब्स में कटे हुए आलू और इसको हल्के से 2-3 मिनट तक फ्राई कर दीजिए। मटर लोबे ऐड करें, अब लो फ्लेम में इसको 2-3 मिनट्स फ्राई करें। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए, 2 मिनट पकाएं। क्रिस्टल सॉल्ट ऐड करिए, हल्दी हाफ टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, 2-3 मिनट तक पकाइए। अब जो मसाला रेडी करके रखे हैं उसको ऐड कर दीजिए इसमें। और हल्के से इसको मिलाइए। पहले इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए, थोड़ा मिलाने के बाद और 1 ग्लास वाटर ऐड कर दीजिए। देखो मैं और 1 हाफ ग्लास वाटर ऐड कर रही हूँ, प्लेट बंद कर रही हूँ। 5-8 मिनट्स पकाइए। देखो हमारा जो मटर अच्छे से उबल गया है, हम आलू को टेस्ट कर लेंगे, आलू पका है या नहीं। एकदम रेडी हो चुका है, आलू भी पक चुके हैं। ऐड करेंगे कोथिमीर और इसको फिर 5 मिनट तक बंद करके पकाएंगे। स्लोली मिक्स करें,
हमारा जो रेसिपी है पक चुका है सब्जी। अब इसको तो रोटी में भी खा सकते हैं, चावल में खा सकते हैं। आलू मटर लोबिया मसाला रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।